प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। हाय प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। आइड हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रेम, स्नेह, सद्भाव और एकता के प्रतीक ईद आप सभी को मुबारक हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों का बहुत दिनों से ये कॉल आ रहा था कि सर बेसिक मैथ का आपने एक लेक्चर करिए, बेसिक मैथ बहुत दिन हो गया, अभी आपने एक भी लेक्चर नहीं दिया। तो आज हम बेसिक मैथ के लेक्चर 12 में लेके आ रहे हैं स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं वर्ग मूल। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस बेसिक मैथ बाय ट्रिकी में 12 लेक्चर में लेके आ रहे हैं स्क्वायर रूट, जिसे बोलते हैं वर्ग मूल। वर्ग मूल जो है वनडे एग्जाम बेसिक मैथ और जो है छोटी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लास के साथ साथ जो वनडे एग्जाम्स हैं लाइक एज रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पॉलिटेक्निक एंड रेलवे, सारे वनडे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वैसे तो स्क्वायर रूट को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, होता है गुणनखंड मेथड, फैक्टर मेथड, एक होता है भाग विधि, शॉर्टकट मेथड भी होता है। शॉर्टकट मेथड हमने लेक्चर में ट्रिकी बाय ट्रिक से निकालना सिखाएंगे आपको वर्गमूल, लेकिन आज हम वर्गमूल को भाग विधि डिवीजन मेथड से किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, देखो जो आपका गुणनखंड विधि है, फैक्टर मेथड है, जिसे हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करते हैं, उसके द्वारा तो हम छोटे जो है डिजिट का ही वर्गमूल निकालना पॉसिबल हो पाता है। जब बड़ी डिजिट होती है तो उसके लिए भाग विधि डिवीजन मेथड सबसे ज्यादा जो है पावरफुल मेथड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, अगर कहीं ऐसा लिखा हो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है या हमें एक्स का वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब वर्गमूल का जो सिंबल होता है, वर्गमूल का जो सिंबल होता है उसे हम दिस इज अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को अगर हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट को हटा के पावर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट को जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उस दिए गए नंबर की पावर हाफ कर देता है। किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का अगर पावर हाफ हो तो इसका मतलब है कि उसका वर्गमूल निकालना है, या कोई इस फॉर्म में दिया है तो उसका वर्गमूल निकालना है। या तो रहेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो भी वर्गमूल निकालना है, या एक्स का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये चार तरह से हम वर्गमूल को इक्वेशंस आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप समझ गए होंगे वर्गमूल का सिंबल ये होता है। अगर हम वर्गमूल को वर्गमूल के सिंबल को हटा के पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर का पावर हाफ हो जाता है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को कि हम कैसे किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट भाग विधि डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम आपको ये 4 क्वेश्चंस कराएंगे, 1, 2, 3, 4, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम फर्स्ट है कि आपको 625 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए स्टूडेंट देखो ऐसे पहले आप लाइन खींच देंगे, ठीक है, उसके बाद एक लाइन आप ऐसे और खींच देंगे, ये लाइन आप भोगना सकिएगा, ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है डिवीजन मेथड से। जब वर्गमूल डिवीजन मेथड से निकालना है स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो राइट साइड है, इस तरफ से चलेंगे और दो दो का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, सिक्स का पेयर नहीं बना, तो कोई बात नहीं। अब हम पहले सिक्स को हमें क्या करना है, इरेज करना है, डिलीट करना है, मतलब कि उसको सिक्स को, सबसे पहले सिक्स को हमें मान करके इसे सॉल्व करना है। अगर ये यहाँ भी पेयर बन जाता तो जो पेयर बनता तो उसको हम पहले जो है प्रोसेस में लाते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि पहले इधर से हमने कहा एक पेयर तो बन गया, ये पेयर नहीं बना, ये सिंगल बच रहा है, जो लास्ट में सिंगल बचेगा इस तरफ। अब एक ऐसा नंबर लो जिसका उतनी बार टेबल पढ़ने पर सिक्स से ज्यादा ना हो, तो वन लेंगे, वन वन जा वन, अभी कम है, टू लेंगे, टू टू जा फोर, अभी भी कम है, थ्री लेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो नंबर लेंगे उसको उतने टाइम ही उससे मल्टीप्लाई करना है, या आप कह सकते हो जो नंबर लेंगे उसको उसका स्क्वायर क्या हो, दिए गए इस नंबर से ज्यादा ना हो। तो थ्री थ्री जा नाइन, ज्यादा हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो यहाँ ले जाएंगे टू, यहाँ लिखेंगे टू,
जो यहाँ टू लिखेंगे तो टू यहाँ भी लिखेंगे, ये प्लेस आपका आंसर प्लेस होता है, ठीक है। तो आंसर प्लेस पे जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, तो यहाँ लिख देंगे फोर। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, सिक्स में फोर को माइनस करेंगे, सिक्स में फोर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू, ठीक है। अब जो हमारा आंसर प्लेस पे जो डिजिट होता है उसका जस्ट डबल, टू का डबल क्या होता है, टू टू जा फोर, दो दोनी चार, तो यहाँ डबल करके यहाँ लिख देते हैं फोर, लिख दिया फोर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट पेयर उतारते हैं। देखो हम जब सिंपल भाग देते थे, भाग में आपको बताया था सिंपल भाग में क्या है, एक बार में एक डिजिट उतारते हैं, दूसरा नीचे उतारने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ता है, या कोई नंबर नहीं है पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हैं, सेम यहाँ है, वहाँ एक एक नंबर सिंगल सिंगल नंबर नीचे कॉपी करते हैं, यहाँ पे डबल डबल करते हैं। ध्यान रखिएगा वर्गमूल में हमेशा डबल डबल नंबर पेयर में ही नंबर नीचे लाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पेयर वाले नंबर को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा 25, टोटल हमारा क्या हो गया 225, ये 2 कहाँ से आया था, 6 में हमने 4 को माइनस करा था। अब हमें इस प्लेस पर बहुत ध्यान दीजिए, इस प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसका उतने में मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ज्यादा ना हो, तो ये देखो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। अभी हमारे पास है 4, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो लिखेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 41 आ जाएगा, बहुत कम है। अच्छा ये 4 है, अगर यहाँ 2 लिखे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4 2 4 8 अभी भी कम है। अगर हम 4 के बाद 3 लिखे यहाँ पे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 3 4 12 अभी भी कम है। अच्छा अगर 4 के बाद यहाँ अगर 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, 4 4 16 17 अभी भी कम है। 5 लिख के देखते हैं, 5 तो 5 लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 25 की 5 2 कैरी, 5 4 20 20 और 2 22 कितना आ गया 222। तो क्या ले गए थे हम 5, ध्यान रखिएगा यहाँ लिखेंगे 5, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब इस 5 का जो हमने यहाँ लिखा है इसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी, 5 4 20 20 और 2 22 क्या हो गया, भाग देंगे 0 आ गया। अब अगर और नंबर होता तो यहाँ कॉपी करते और इस 25 का डबल 50 यहाँ लिखते, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो गया आपका, आंसर का प्लेस हमने बताया था ये होता है आंसर का प्लेस, क्या आया है आंसर के प्लेस में 25, तो 25 हो गया। इट मीन 625 का जो अंडर रूट होता है वो 25 होता है, ये हो गया आंसर। चलिए भी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 की बात करेंगे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में। प्रॉब्लम नंबर 2 इसका है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 15376 का। ऐसे कॉलम बनाएंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे, अब हम पेयर बनाएंगे, इधर से चलेंगे पेयर, इधर से राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ 2 का एक पेयर बन गया, 5 3 का पेयर बन गया, 1 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब क्या करेंगे, हम एक ऐसा नंबर लें जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या ले जाएंगे हम, जैसे मतलब 1 1 1 1 ले जाएंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। एक पेयर नेक्स्ट पेयर को, यहाँ 0 आ गया, नेक्स्ट पेयर को हम कॉपी करें 53 आ जाएगा, 0 हटा दो इसे कोई मतलब नहीं, लेफ्ट साइड के 0 का। अब 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। अब हम 2 हमारे पास मिल गया, 2 हमारे पास मिल गया, एक इमेजिन करके चला करो, 2 मिल गया, 2 को 20 मानो, 20 मिल गया, 21 जा 20, 22 जा 40, 40, 23 जा 60, ज्यादा हो जाएगा, 60 ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो क्या ले जाएंगे यहाँ पे, 2 ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे 2, जब 2 यहाँ लिखोगे स्टूडेंट 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 3 हम क्यों नहीं ले गए, 2 हमारे पास यहाँ मिला था, अगर हम 3 ले जाते 3 से ही मल्टीप्लाई करना, ये बाउंडेशन है, रूल है, 3 3 9 और 3 2 6 69 हो जाता, जो 53 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हम 2 ले गए। अगर आपको क्लियर नहीं तो यहाँ पे आप नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको तुरंत देखते ही माइंड में क्लिक कर जाएगा। अब क्या करेंगे,
53 में 44 को माइनस करना है, तो एक ला यहाँ पे बनाया 13 में से 4 गया, 9 बचा, 4 में और यहाँ 4 में से 4, 0 कुछ नहीं आया। अगला पेयर को कॉपी करेंगे नीचे, 76 आ गया। अब 12 का डबल क्या होता है, 12 2 12 2 24, यहाँ 24 आ गया। अब हम ऐसे कौन सा नंबर यहाँ लिखें, इस प्लेस पर कौन सा नंबर लिखें जिसका उतने में ही मल्टीप्लाई करने के बाद इतने से ज्यादा ना हो। ये क्या है, 240 मान के चलो, 240 का दूना क्या हो जाएगा, 480 240 का 3 टाइम क्या हो जाएगा, 240 का 3 गुना क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आप समझ लो 720 लगभग, अभी भी कम है। तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम ले जाएंगे, 24 है ही, 4 टाइम मतलब 4 ले जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 1 कैरी 4 4 16 1 17 7 का 7 1 कैरी 4 2 8 और 8 1 9, मतलब 4 ले जाएं तो ये 960 76 आ जाएगा। क्या ले जाएंगे यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, और इस 4 का इस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 होता है, 1 कैरी हो गया। फिर 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी हो गया फिर से, और 4 2 8 और 8 1 9, बाद में 0 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 9 में 9 गया 0, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 124। या आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 15376 का वर्गमूल होगा या स्क्वायर रूट होगा 124। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन कराएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, वर्गमूल ही निकालना है, वो है 1296। क्वेश्चन नंबर 3 हमें 1296 का अंडर रूट फाइंड करना है। अब देखो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना, दो पेयर बना, अब देखो लास्ट में कुछ नहीं बचा तुम्हारा, जो मतलब इधर से लेफ्ट साइड से चलेंगे तो 12 है, 12 पेयर में है, कोई बात नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा नंबर लेंगे जिसको उतने में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से ज्यादा ना हो, 2 2 4 अभी कम है, 3 3 9 अभी कम है, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, क्या ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 9, 12 में से 9 गया, 3 बचा, पेयर नीचे कॉपी करा, पेयर में ही कॉपी करते हैं, 3 का डबल क्या होता है, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब हम 60 इमेजिन करके चलो, 6 है, अब 6 में हमें से कौन सा नंबर लिखें कि उसका उतने में मल्टीप्लाई करने के बाद 3 396 आए, 6 है हमारे पास, चलो 60 मान, 62 120, 63 180, 64 240, 65 300, 66 360, 67 740, ज्यादा हो जाएगा, कितना ले जाएंगे, 6 ले जाएंगे, क्या यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ भी क्या लिखेंगे, 6, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का 6 मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36, 36 और 3 39, 6 में 6 गया 0, 9 में 9 गया 0, 3 में 3 गया 0, आंसर क्या गया, 36, हमारा आंसर क्या आया, 36, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 3 6 2 3 1 3 6 1, अब हम पेयर बनाना शुरू कर रहे हैं, यहां से पेयर बनाए, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, 61 का एक पेयर, 13 का दूसरा पेयर, 23 का तीसरा पेयर, लेफ्ट साइड का पहला पेयर क्या है, 23, अब ऐसा कौन सा नंबर लें जो 23 मतलब उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद 23 से ज्यादा ना हो, क्या ले जाएंगे, 4 4 16 5 5 25, 5 ज्यादा हो जाएगा, 4 ले जाएंगे, 4 यहां लिखेंगे, 4 4 16, 4 4 16, 23 में 16 माइनस करेंगे, एक लाइन बनाया 13, 13 में से 6 गए 7, एक में से क्या कुछ नहीं, अगला पेयर नीचे उतारा, 13 का पेयर है जोड़ा नीचे निकाल, 13 4 का दूना क्या होता है, 4 2 8 यहाँ लिखेंगे 8, अब इसे 80 इमेजिन करके चलो, 80 2 160, 80 3 240, 80 4 320, 80 5 400, अभी कम है, 80 का 6 में गया
80 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 848, 480 कम है, 7 से करेंगे 856, 560 कम है, 8 से करेंगे 864, 71 से कम है, 9 से करेंगे तो 972, 720 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सारे मतलब क्या ले जाएंगे, 8 ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, 8, यहाँ लिख दिया 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 जा 64, 4, 6 कैरी, 8 जा 64, 64 और 6, 70, माइनस करिए, एक लाया बनाया 13, 13 में से 4 गए 9, 0 में 0 गया 0, 7 में 7 गया 0, ठीक। अगला पेयर नीचे 48 का दूना क्या होता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 का दूना क्या हो जाएगा, 2 8 16 की 6, हाथ से लगा 1, 2 4 8 1 9, 96 हो गया। हमारे पास क्या 96 1, सिंपल सा है, 1 ले जाएंगे, 1 यहाँ ले जाइए, 1 यहाँ ले जाइए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा, 1 का 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 का 9 में करेंगे 9 आएगा, 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 9 में 9 गया 0, आंसर क्या आ गया आपका, हमारा आंसर आ गया 481, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, किसका, इसका अंडर रूट। तो स्टूडेंट आई होप आपको हमने जो है चार क्वेश्चन कराया कि किसी भी डिजिट का हम भाग विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालते हैं। दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अंडर रूट 676 इसका जो है अंडर रूट निकालिएगा 26 आएगा, यह है 6889 इसका अंडर रूट निकालिएगा 83 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप जो आज हमने क्या करा, आज बेसिक मैथ के 12 लेक्चर 12 में स्क्वायर रूट, वर्गमूल, भाग विधि, डिवीजन मेथड से करना सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्गमूल ही लाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट ही, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा, ट्रिक से हम कैसे उसे हम जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम ज्यादा मायने रखता है, टाइम को सेव करना होता है, बचाना होता है, जितना कम टाइम आप लोग एक क्वेश्चन में उतना उस टाइम को अगले क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगाएंगे आप, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया है तो आप हमें जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टेक केयर, कोई भी क्वेश्चन लीजिए आप भाग विधि के द्वारा, उसको जो है वर्गमूल निकालना, निकालने की ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।